जो जवाबदार अधिकारी हो वो हाउसिंग बोर्ड एक दिन पेमेंट लेट हो जाती है पेनल्टी लेट की आप ये जवाब दो ना आज हमारा पेमेंट डेटेड मैंने लेट हो रहा है आप नो रिप्लाई दे रहे हो मेल कर रहे हैं इसका जवाब नहीं आ रहा ये तो आपको उनका नंबर भी दे देता हूं मैं बात करो उनसे दो नंबर दो आपका कौन सा है ये वाला ये है हम आपको सुनो अभी यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट देता हूँ मैं आपको ठीक है कितने देर में पैसे भिजवा दोगे आप वापस तो फिर आप समझ आप जनरल भी नहीं लेना चाहते और मैं आपको क्या पूछ रहा था सुनो भाई साहब बात ये हो रही है आप मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट ये ऑलरेडी सात सात बार देख लिए हैं अब आपको वो दे देंगे एक बार क्या बड़ा हो जाएगा उससे उसका समाधान क्या दिएगा हमें हाथ में चाहिए जो समाधान हो जो व्यक्तिगत भी निजाम कर सके जिम्मेदार आदमी कौन है ये काम करेगा ये बताओ हमने तो भेज दी सर वहां क्या बोले जब तो ये बोल रहे थे ग्राहक भगवान ने अपना हाथ लेकर देखो ये आपने क्या ना लगाया गेम लगा के ग्राहक बोले वहां धोए में गेम तो है ना आपने गेम लगा के ग्राहक बोले ये ग्राहक बोले क्या की आवाज ही मिंडा क्या समझ लो आप सरकार की उतना भी करवा दो आप अधिकारियों की लापरवाही है और आप सरकार को नहीं आते हैं आज हम तो बस अजमेर में आवासीय मंडल का ऑफिस है अरे कर लो तो नहीं धंधे में बैठ जाते हैं आप बताओ कितने में करना है एक दिन लेट होता ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लेते हो।
ये लोग यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी आप लोग हैं तो आप जयपुर से भेजा उसको ऑफिस को जाओ आप ही जयपुर जाओ आप ही जयपुर जाओगे पैसे जमा कराए ना लोगों ने यार सर ये बहुत सारे फंडा पिछले आदमी आए हैं यार इनके रिफंड नहीं हो रहे पुराने काफी टाइम हो गए ये उसे ना बात बोलिए हमारे बच्चे ना हो आप लोग रिफंड करो यार कैसा कैंप आपने लगाए ईएमडी का तुम बात कर लो एक मिनट सुना नहीं मैं सुनकर सिंह हां हम तो आपको खुशी दे मत खुशी दे मत और कोई गरीब मैं वो दलाल है यहाँ का ये कह रहे हैं कभी तो दलाल अब क्या करना चाहिए पूछो अब क्या है हाँ राजेंद्र सिंह कुर्सी दे मार सर चाय पी पानी ऐसा थोड़ी ऑक्शन ऑफ राजस्थान की द्वारा एक फ्लैट की जो क्वार्टर होते हैं उनकी एक लोटरी सिस्टम निकला था जिसमें दोदई खानपुरा कंचन नगर आसपास के जितने भी लोग हैं अजमेर जिले के इन्होंने उसमें एक ऑप्शन रहा था जिसमें दो रिटेल रखी थी इन्होंने जो छोटा क्वार्टर था उसके 40,336 रुपये और बड़े क्वार्टर की 61,645 रुपये ये राशि लोगों ने जमा करा दी गरीब तबके के लोग हैं हर इंसान को आश होती है कि उसका खुद का मकान हो लोगों ने राशि इकट्ठा कर दी जमा करा दी जिन लोगों के फ्लैट खुल गए पिछले महीने ये बात है आपके पिछले महीने की करीबन 20 तारीख की और इन्होंने फिर आवासीय योजना वालों ने कैंप भी लगाया था दुबई के अंदर उस कैंप के माध्यम से वहाँ के लोगों को जागृत करा कि ये अच्छी स्कीम है आप लोग इसमें सब आवेदन करें सब लोगों ने आवेदन करा हर किसी की इच्छा होती है मंशा होती है कि उसका खुद का आवास हो अब जिन लोगों के आवास खुल गए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिन लोगों के नहीं खुले उन लोगों की लाखों रुपये की राशि आवासीय मंडल द्वारा जयपुर द्वारा वो राशि अटका दी गई है जबकि ये इनके नियम में है कि 3 दिन के भीतर वो राशि वापस रिफंड करनी होती है आज 2 महीने लगभग बीतने को है लेकिन आज दिनांक तक किसी भी आदमी के पास कुछ लोग थे जिनके पास है करीबन 20 से 40 लोग अभी मेरे साथ आए हैं यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी इनका था नहीं वो जयपुर के इनके डायरेक्टर हैं उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई है वो अभी अंदर बैठ के बना रहे हैं अभी लगभग हमने इनको 30 तारीख तक का समय दिया है यदि 30 तारीख तक ये राशि आ जाती है तो ठीक है वरना इस पूरे मामले को उच्च मंत्री को सीएम को और कलेक्टर महोदय को इस मामले से पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं अधिकारी की वजह से सरकार की जो नीति और रीति खराब हो रही है दोषी अधिकारियों के खिलाफ हमारे सीएम महोदय पहले भी बोल चुके हैं जो लापरवाह अधिकारी है उसको कतई नहीं बख्शा जाएगा यहाँ भी अधिकारी छुट्टी पर हैं अनऑफिशियली है पता नहीं कोई भी उच्च अधिकारी आज हमें यहाँ नहीं मिला जयपुर में इनके जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनसे फ़ोन पर बात हुई है यदि ये राशि आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है वरना इस पूरे मामले को लेकर इन पीड़ितों को लेकर जिनकी राशि नहीं आई है सीएम हाउस जाएंगे और उच्च अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्त की मांग करेंगे जिनकी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं सागर मीणा शहर कांग्रेस कमेटी कब तक भिजवाएंगे आप टाइम तो हेड ऑफिस वाले भिजवाएंगे इन लोगों ने बताया बोला 30 तारीख तक के लिए बता रहे हैं उसका इनके क्या एक्शन जो आयुक्त से कोड है ना इनमें गलत इन्होंने गलत भर दिया तो इस वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा सर ये राशि कितने दिन में रिफंड कर देंगे वापस वापस तो अभी भिजवा रहे हैं जो उन्होंने कहा 30 तक भिजवा ही देंगे आपका नाम बताइए मेरा नाम कार्य